एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, आज हम लोग ऐसे कंट्रोवर्सी, इसे कंट्रोवर्सी बोले या एक तरफा प्यार बोले या किसी के प्रति अट्रैक्शन बोला जाए यार, लेकिन यार एक जैसे कि एक बड़े लेवल का कोई सेलिब्रिटी होता है और उसे जब ये पता चलता है ना वाला, या उसे कोई ये पसंद करता है, लाइक करता है, तो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन जब एक बड़े लेवल की एक्ट्रेस या बड़े लेवल का कोई स्टार अगर वो ऐसा क्रश अपने आप को शो करता है ना, तो अगला को भी एक होता है ना कि दिल में कुछ सोचने का होने लगता है। सो गाइस, ये कितना सही है और कितना गलत, और इस कंट्रोवर्सी और इस एक तरफा या अट्रैक्शन जो भी बोलो, ये पूरे के पूरे इंडिया और पाकिस्तान में जो हलचल मचा के रखी है ना, वो कमाल की है यार। और वो यार वो अगर उनको ऐसा लगता है उर्वशी रतोल के, तो यार गाइस उनको मैं दीदी एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, यू आर 28 और नसीम का यार जस्ट 19 यार, वो माय गॉड। लेकिन यार लाजमी सी है बात, कोई भी उन पर फिदा होगा, क्योंकि वो मतलब कि दिखने में इतने हैंडसम लगते हैं और उनकी जो अभी उनकी खेल रही है ना, वो कमाल की रही है। और जो अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने जो किया है ना, वो दिल जीतने वाली किया काम किया है। सो गाइस, आई होप उनके दिल में ऐसा लगता होगा कि वो उनको ही देखकर वो स्माइली कर रहे हैं। सो गाइस, और इस वीडियो को लेकर भी हम लोग बात करेंगे, जिस वीडियो में उनको ऐसा लगता है और कि वो उनको ही देखकर वो हंस रहे हैं, और वो उर्वशी रतोला उस पर एक कहते हैं ना कि शर्माते हुए स्माइल देना, वो वाली वीडियो यार मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाली है, और उस पर भी अपना हम लोग रिएक्शन करेंगे। और आप लोग देख के बताओ यार क्या हकीकत है और क्या सही है। आइए, और ये पूरा का पूरा में सच हो जाएगा। आई होप ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पर। यार मुझे तो सही बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता, मैं तो ग्राउंड में खेलता हूँ, भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। और जो भी देखने आते हैं उनकी मेहरबानी है कि ना मासूम आदमी है, ना मासूम आदमी है, वो जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है, कोई भी मेरे लिए आता है, मैं कौन सा आसमान से आया वो, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं, तो अच्छी बात। आपने उर्वशी का नाम सुनकर मुस्कुराया है क्या? बाकी आपको नहीं पता कि वहाँ में देखने आती है, और क्या फ्यूचर में कोई प्लान है क्रिकेट के बाद के 24 की तरफ जा रहे हैं? यार नहीं, ऐसा 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 कोई प्लान नहीं है। और स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं पता, और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई इस तरह का प्लान नहीं है अभी, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस है और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। नसीम अपने करियर पे फोकस है, आप उस लेवल के फेमस नहीं है, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट जो होता है वो हर खिलाड़ी को फेमस करता है। केएल राहुल को आपने बोल्ड किया, उसके बाद जो आपके दो छक्के, ये सबसे ज़्यादा इसने आपको फेम दिलाया। सबसे ज़्यादा किस इंसान को इस चीज़ का क्रेडिट देंगे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इस अपने करियर में किसने? देखिए, करियर में जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको वहाँ की मीडिया किस अंदाज में इसे ले रही है और कहाँ तक ये बातें सच है यार। ये कहते हैं ना कि मीडिया ऐसी चीज़ होती है ना कि हर चीज़ की खुद्दी निकाल देने वाली। सो गाइस, आई होप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग निकल जाए और कुछ क्लियर पता चल जाए लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। सो गाइस, चलते हैं वीडियो को, इसको भी प्ले करके देख ही लेते कि भाई साहब यहाँ पर भी क्या हलचल मची हुई है। उर्वशी रुटेला की नसीम शाह के साथ वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। उर्वशी रुटेला की जानिब से शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि नसीम शाह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जबकि उर्वशी उसके जवाब में शर्माने वाले अंदाज में मुस्कुराई। इस वीडियो को देखकर मद्दाहों ने उर्वशी रुटेला को खूब ट्रोल किया। उर्वशी
उर्वशी रोटेला की जानिब से इस वीडियो को एडिटेड वीडियो कहा जा रहा है, जबकि उर्वशी की इस हरकत पर एक पाकिस्तानी सारिफ ने लिखा है, ओ आंटी ये 19 साल का है, इसे छोड़ दो। जबकि एक सारिफ ने कहा, ये ग्राउंड में हार्दिक पांड्या के लिए आई, कुछ का कहना था कि ऋषभ पंत के लिए आई, लेकिन ये बाजी बहुत ही आगे निकल गई है। दूसरी तरफ एक भारतीय सारिफ का अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हो रखी थी, दोनों में कमाल की बात मतलब की होती है ना कि जुगलबंदी हो रही थी यार, कमाल की हो रही थी। लेकिन अचानक से ये जो अगले पिछले जो मैच में ये जो हवा और ये रूमर या फिर ये रियलिटी या जो भी है ये हवा पकड़ी है ना कमाल की यार, ये कुछ अंदाजा ही नहीं लग रहा। कहना था कि इसमें उर्वशी रोटेला का कोई कसूर नहीं, वो एक पख्तून है जो कि बाकी लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अब हम लोग सबसे मतलब कहते हैं ना कि सबसे उस वीडियो को बारे में देखेंगे और उसका आप लोग इसका रिएक्शन करो कि ये भाई कितना सही कितना झूठ, अगर ये एडिट मतलब कि कहते हैं ना कि एडिट किया हुआ है या फिर जो भी हो, आप लोग मुझे ज़रूर बताना यार कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है। और चलते हैं इस वीडियो एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ। ये इतना होच पोच हो चुका है ना कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि किसके बात पे आदमी डिले करे, किसको बात को सही ठहरा या किसको बात को गलत ठहरा है। यार देखो इसमें उर्वशी रतोला की भी कोई गलती है नहीं, ठीक ना, मानो तो कोई भी उर्वशी रतोला की इसमें कोई गलती है नहीं यार। जो बंदा आगे अगर आगे बंदा इतना हॉट और इतना स्मार्ट अगर बैठा हो, अगर यार दिखा ना तो सो गाइस यार किसी का भी हो सकता है फिदा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।